नमस्कार, मैं नवीन, देवघर महाविद्यालय देवघर में समाजशास्त्र का प्राध्यापक इंटरमीडिएट सेक्शन। आज मैं आपको ट्वेल्थ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ट्वेल्थ का समाजशास्त्र और यूनिट टू का चैप्टर टू चल रहा है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मैंने कई बार पढ़ाया है आपको और उसमें आज मैं अंतिम रूप से आपको जाति और वर्ग में अंतर बताने वाला हूँ। तो आप मेरे बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर लिखा हुआ है जाति और वर्ग। इसमें डिफरेंसेस जो लिखे हुए हैं मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, जाति एक बंद स्वरूप है और इसमें खुलापन है। इसके बाद है जन्म पर आधारित होती है जाति और ये कार्य के ऊपर आधारित होती है। तीसरा है ये प्रदत्त परिस्थिति है और ये अर्जित परिस्थिति है। चौथा है इसका निश्चित व्यवसाय होता है जाति का और इसका रुचि और साधनों के अनुसार होता है। जाति अंतर्गत विवाह संबंध नियम होते हैं कुछ और इसमें निश्चित नियम नहीं होता है। उसके बाद है धर्म तथा सांस्कृतिक विश्वास होती है और इसमें विश्वास की कमी होती है। एक एक करके मैं आपको क्लियर करता हूँ। वंद स्वरूप मतलब जाति का एक अपना वंद स्वरूप होता है, यानी कि एक निश्चित नियम होता है, जन्म के आधार पर ही जाति होती है। मजुमदार एवं मदन ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, है ना। तो इस अनुसार से वो डेफिनेशन में भी मैंने बताया है इस चीज़ को। तो जाति क्या है, उसका स्वरूप एक बंद है। अपनी ही जाति में विवाह होता है, अपनी ही जाति में खान पान होता है, ये सब जो नियम है वो जाति को बंद स्वरूप में रखता है। इसके बाद क्या है, ये खुलापन है। क्लास जो है वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं है। वर्ग क्या होता है, ये खुलापन होता है, कोई भी किसी के यहाँ जा सकता है, कहीं भी खा पी सकता है और भी नियम कई है, वो जो खुलापन है इसमें। उसके बाद है जन्म के आधार पर। जाति जो है जन्म के आधार पर निश्चित होती है। कोई व्यक्ति अगर किसी जाति किसी परिवार में जन्म लिया तो उसको होश आने पता चलता है कि अरे मैं इस जाति का हूँ, है ना। तो ये जन्म के आधार पर है, जबकि क्लास क्या है, कार्य के आधार पर है। आप जितना अच्छा कार्य करेंगे, जितना अच्छा उसमें आप अर्जित करेंगे, जितना अच्छा आप शिक्षा लेंगे, उस अनुसार से आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद है प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति क्या है कि जाति जो है आपको ऊपर से दिया हुआ, ऐसा माना जाता है कि ये भगवान के द्वारा दिव्य रूप से हमको दिया गया है, लेकिन ये प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। परिस्थिति स्टेटस क्या है वो मैं आपको 11th में शायद पढ़ाया हूँ और आप 11th के बुक में देखेंगे कि परिस्थिति क्या होती है। उसके दो प्रकार होते हैं, प्रदत्त और अर्जित। तो उसी में जाति क्या है, प्रदत्त परिस्थिति है, और क्लास जो है वो अर्जित परिस्थिति है। इसको अचीव्ड कहा जाता है, अचीव्ड स्टेटस। इसको है एस्क्राइब्ड स्टेटस, ठीक है। तो परिस्थिति ये क्लास क्या है, हम अचीव्ड करते हैं शिक्षा के द्वारा, काम के द्वारा और भी कई प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। उसके बाद निश्चित व्यवसाय होता है, कास्ट का निश्चित व्यवसाय होता है। सारे कास्ट का अपना अपना एक व्यवसाय बना हुआ है, पहले से निर्धारित है। रुचि और साधन के अनुसार क्लास में होता है। क्लास का जो आपका सिस्टम है वो आपके रुचि और साधन के अनुसार ऐसा बनता है। उसके बाद जाति अंतर्गत विवाह संबंध क्या होता है कि विवाह की जो प्रक्रिया है वो जाति के अंदर ही होगा। उसमें जो नियम है वो नियम को आपको फॉलो करना होगा, जबकि इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है क्लास में। इसके बाद धर्म और सांस्कृतिक विश्वास है। जाति में धर्म को ज़्यादा मान्यता है सांस्कृतिक रूप से, लेकिन क्लास में विश्वास की कमी होती है, धर्म को ज़्यादा नहीं मानता है। आगे मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा दूसरे दिन। धन्यवाद।